And at the moment from the BJP with us, Mr. Shailesh Pandey. Shailesh Pandey ji, namaskar. नमस्ते नमस्ते राजीव जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद है सर। जय सियाराम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सियाराम, हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की तो हमेशा ही जय है सर, भारत माता की तो हमेशा ही जय। तो सर ये बताएं शैलेश पांडे साहब, अब तीसरे चरण के बाद आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है आपके सामने, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में विकास की गंगा बहाई है, भारत को एक सुरक्षित भारत बनाया है, और उन्होंने जो मोदी की गारंटी दी है कि आने वाले 2047 तक हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है, फिर से हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है, इस मंत्र के साथ, इस संकल्प के साथ जो मोदी जी ने काम कर रहे हैं, और 10 सालों में जो विकास की महागंगा बहाई, उसके कारण आप देखेंगे तीसरे चरण में भी बहुत अच्छे सीटें, मैं बोलता हूँ 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनकी एनडीए की अलायंस को, नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे, और नरेंद्र मोदी जी की एक बार फिर से 400 पार की सरकार हम बनाने जा रहे हैं देश के अंदर, और नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनका आत्मविश्वास, और उस आत्मविश्वास के कारण उन्होंने कहा कि मैंने आने वाले समय के 100 दिनों के जो एजेंडा है उसको एजेंडा बना लिया है, और आने वाले जीत के बाद 100 दिनों में मुझे क्या काम करना है देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए, आम जनता के उत्थान के लिए, वो सारा चीजें मैंने तय करके रखा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 10 साल के उनके जो विकास के काम है, 10 साल के जो उनके स्वाभिमान के काम है, 10 साल के जो भारतीय आत्म सम्मान, गौरव, इतिहास और आस्था, अध्यात्म, धर्म पर चलते हुए ये ऐतिहासिक भारत के गौरवपूर्ण संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने काम किया, वो तो एक शैलेश पांडे साहब, शैलेश पांडे जी, 1370 हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हो अयोध्या जी में, लगाना हो, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना हो, 80 करोड़ गरीबों को अनाज देना हो, ये सारे काम तो ट्रेलर है सर, ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर आप तो इस जीत के बाद दिखेगा, और देश के अंदर देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए, भारत माता को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए ये तीसरा टर्म आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शुरू होगा। एक सर यहाँ पर एक चीज है, आज की तारीख में कांग्रेस और उसके जितने अलाइज हैं, इंडिया अलाइंस जो है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट है इस बार। वो बोल रहे हैं कि इस बार तो लोगों ने ठान लिया है कि मोदी जी को, मतलब मोदी जी की सरकार बाहर जानी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमें तो अब काम भी नहीं करने की जरूरत है, लोग खुद काम कर रहे हैं अपना, लोग खुद कह रहे हैं हम मोदी को बाहर कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मतलब इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि देश में तकरीबन 60 करोड़ लाभार्थी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में, जिनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गया है, DBT जिसको कहा जाता है, जिनका पैसा बीच में खा लिया जाता था, आज की तारीख में उनको खुद को पैसा मिल रहा है, क्या वो सब लोग मोदी जी के खिलाफ वोट करेंगे? पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल है, देखिए चुनाव के समय पर झूठ बोलना और अपने मन की फालतू बातें करना, ये विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की पहले से ही आदत रही है, और ये छद्म लोग है, और जनता देश की जागरूक है। देखिए देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में स्वीकार कर चुकी है। आज मुझे बताइए देश के अंदर ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, पहली बार जिन्होंने गौरिंग के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर, जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम करवाया। 500 वर्षों तक लगातार तपस्या करनी पड़ी, आंदोलन करने पड़े, हजारों नहीं लाखों लाखों हिंदुओं को, राम भक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी,
हजारों परिवार बिछड़ गए, बर्बाद हो गए, लाखों लोग की हत्याएं हुई, शहीद हुए। उसके बाद राम मंदिर का ये निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने करा, तो ये लाखों लोगों की आत्मा के आशीर्वाद नहीं देगी? आज वो करोड़ों 100 करोड़ हिंदुओं की अगर कहीं भी अगर हिंदू थे या हिंदू का स्वाभिमान। पांडे जी, थर्ड फेज के चुनाव के बाद मोदी जी को याद करेंगे। अमित शाह जी का कहना है कि थर्ड फेज के चुनाव के बाद हम 190 प्लस है, पांडे जी 190 प्लस है। और थर्ड फेज के बाद मोदी जी के जो मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ जो है, उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम के खिलाफ कोई बैर नहीं है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं मुसलमान समाज के, ना मैं अगेंस्ट हूं इस्लाम के। बोले कि आप मुस्लिम महिलाओं से पूछिए, मुस्लिम महिलाएं मेरे सिंसियरिटी को बिलीव करते हैं। जब ट्रिपल तलाक को मैंने अबॉलिश कर दिया, जब मैंने आयुष्मान कार्ड उनको दे दिया, मुस्लिम महिला वो सिंसियरिटी देख लिया, मैं घर आवास योजना के अंदर उनको घर मिला, तो वो सिंसियर मेरे सिंसियरिटी पे उनको बहुत विश्वास हो गए। जब मैं वो कोविड वैक्सीन उनको दिया, तो उनका जो विश्वास है प्राइम मिनिस्टर की तरफ सिंसियरिटी पर, तो ये क्या चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है पांडे जी? थर्ड फेज के बाद मोदी जी चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है मुस्लिम समाज को गोद मीन्स अपने साथ लेके जाने वाली बात जो कर रहे हैं? देखिए, ये कोई स्ट्रेटजी है, चेंज ऑफ स्ट्रेटजी नहीं है। ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ही उनका मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। नरेंद्र मोदी जी ने चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, जो देशभक्त है, देश के साथ है, वो सबको उन्होंने स्वीकार किया है। और मुझे बताइए कि जो भी काम उन्होंने तीन तलाक का किया, तीन तलाक को दूर किया, तो इससे तो देश के अंदर जो मुस्लिम बहनें हैं आज वो खुश है। आज वो मोदी जी को अपने धन्यवाद ज्ञापन करती है, शुक्रिया ज्ञापन करती है, उनको अपना भाई मानती है। उस समय तो कई बहनों ने जाकर उनको राखी बांधी थी, अपना भाई बनाया था, और मोदी जी को अपना भाई मानती है वो बहने। और मैं ये कहता हूं कि मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, मुझे बताइए जो इतने सारे अकाउंट जनधन के खुले गए, क्या उसमें मुसलमान भाई बहनों के अकाउंट नहीं है क्या? जिन 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, अरे उसमें करोड़ों मुस्लिम भाई बहन भी है ना, उनको भी फायदा हुआ है। जिन 4 करोड़ गरीबों को छत दिया है, नया मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया है, उसमें हमारे देश के मुस्लिम भाई बहन भी है, आज उनको भी मकान मिला है। तो मुस्लिम भाई बहन तो नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई मानते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं और वोट करेंगे। आज मैं मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस देश में इस वक्त अगर लग रहा है तो वो कश्मीर का लग रहा है। कश्मीर के अंदर धारा 370 नरेंद्र मोदी जी के हटाने के बाद जिस तरह से वहां पर पर्यटन में बढ़ोतरी हुआ है, जिस तरह से वहां रोजगार बढ़ा है, जिस तरह से वहां पर आप वहां के इंटरव्यू देखिए, मैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे और चैनल पे उनके इंटरव्यू देखता हूँ। मैं तो बीच में बाबा अमरनाथ गया था, तभी वहां के कुछ युवाओं से भी मैंने बात की थी, तो वहां के मुस्लिम युवा भी मुझसे साक्षात्कार करते हुए कहे कि नहीं, हमें तो मोदी ही चाहिए। और वो चाहते हैं कि इससे पहले 7 सालों तक लगातार जो पार्टियां रही, पीडीपी रही, नेशनल कांग्रेस रही, कांग्रेस रही, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुसलमान युवाओं के हाथ में पत्थर दिया, उनको पत्थरबाज बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम एक हाथ में आपको कुरान देते हैं, एक हाथ में कंप्यूटर देते हैं, ताकि आपका विकास हो सके। और आज कश्मीर में जिस तरह की विकास की गंगा बहाई है, रोजगार बढ़ाया है, पर्यटन बढ़ाया है, आज कश्मीर की जनता पूरे देश के मुसलमानों को संदेश दे रही है कि नरेंद्र मोदी ही हमारे सगे भाई है, नरेंद्र मोदी ही मुसलमानों के सच्चे पक्षधर है, और नरेंद्र मोदी जी ने ही देश के मुसलमानों का सचमुच में विकास कराया है, विकास कराएंगे आगे भी, हो सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र पर। लेकिन शैलेश पांडे जी, आपने जो बात कही है उसमें दो राय नहीं है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद काफी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। अभी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी आई है, ज्यादा नहीं आई है, आगे जाकर के आएगी। क्या है कि लोगों को बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, कहाँ पर क्या बनाना है, क्या बनाना है। अबू धाबी से यानी गल्फ से काफी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, श्रीनगर में बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है, मुझे लग रहा है भारत का सबसे बड़ा मॉल बनेगा श्रीनगर में, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे पॉलिटिकल है, ये सब चीजें हुई हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? कश्मीर घाटी में अभी बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है साहब, ये बताएं। देखिए, ये तो
पार्टी की कोई रणनीति होगी, रणनीति के तहत वो सारी चीजें हुई होंगी, और पार्टी की रणनीति इस वक्त मुझे टीका टप्पणी करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस विषय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बोले तो भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कश्मीर के जो हालात है वो हालात देखकर देश की जनता और देश के खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों ने ये ठानी है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमें चुनकर लाना है, और ताकि इस देश के अंदर जो विकास की गंगा पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बहाई है। आज मुझे बताइए, चाहे और सबसे बड़ा काम तो कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, चिनाब पे जो ब्रिज बनाया गया, टनल बनाए गए, बड़े बड़े वहां पे हाईवे बनाए जा रहे हैं, और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पूरे देश के अंदर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक हर जगह पर आज हाईवेज का जो एक तरह से जाल बिछाया गया है, हाईवेज का जाल बिछाया गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा डेवलपमेंट होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ ही वहां पर व्यापार बढ़ता है। मगर राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो देखकर डर गए, हाथ बदलेगा हालात, 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी, महालक्ष्मी योजना, 1 लाख रुपया महिलाओं को, पहली नौकरी पक्की, किसान जो मिनिमम MSP कानून बनाएगा, 50% रिजर्वेशन को उठाए, और जो मोदी साहब ने अडानी अंबानी को जितने पैसे दिए उतने ही पैसे इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाएंगे। तो कैसे देखते हो आप, क्या मोदी जी मैनिफेस्टो देखकर डर गए राहुल गांधी जी का? बिल्कुल नहीं, ये राजीव गांधी का नहीं, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो। राहुल गांधी यस हाँ, और आपने राजीव गांधी कहा तो राजीव गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की प्रथा को कहने को उन्होंने खुद अपने मुंह से देश की जनता के सामने रखा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 16 पैसा गांव के लोगों तक पहुंचता है, तो बीच में सारा पैसे का भ्रष्टाचार हो जाता है, तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ हवा हवाई बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरे देश में पिछले 63 सालों में एक के बाद भ्रष्टाचार करने का और कुछ भी नहीं किया है, और ये कुछ करेंगे भी नहीं। आज ये डरे हुए हैं मोदी जी के विकास, जो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हुए, आज 28 किलोमीटर रोज रोड बन रहे हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटियां बने, 22 नए एयरपोर्ट बने, और उसके साथ 350 से ज्यादा विश्वविद्यालय बनाए गए, 350 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए गए, एम्स बनाए गए 40 से ज्यादा, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बूस्ट किया है, क्या पूरी दुनिया लालायित है हिंदुस्तान के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज रक्षा रक्षा बजट में अगर हम देखें, रक्षा बजट बढ़ा के हमारा देश में हम सारे हथियार जो होते हैं वो इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने जेट विमान हो, चाहे उपकरण है जो भी रक्षा के उपकरण है, मिसाइल्स है, ब्रह्मोस मिसाइल्स है, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने देश की रक्षा के लिए हमें जो जरूरत है वो तो रखे, उसके साथ ही दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है रक्षा के क्षेत्र में। आज विश्व गुरु की भूमिका खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का है। लेकिन शैलेश पांडे जी ये सब तो ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता दें कश्मीर में आप कैंडिडेट नहीं दे रहे, और तो और छोड़िए आपने लद्दाख में भी कैंडिडेट नहीं दिया है, और सोनम वांगचुक साहब जो हैं वो तो 1.5 महीने से 2 महीने से वो तो एक अनशन लीड कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं आपके खिलाफ, कि बीजेपी ने जितने वादे किए थे उन्होंने पूरे नहीं किए। 2 साल पहले वो सबसे बड़े प्रशंसक थे आपके और नरेंद्र मोदी जी के, आज की तारीख में उनको तो बहुत भीड़ मिल रही है, बहुत लोग आ रहे हैं वहां, तो वो कह रहे हैं कि जितने वादे किए नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने लद्दाख को लेकर के, कारगिल को लेकर के, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। शैलेश पांडे जी देखिए, राजीव जी देश की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कठोर निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने और देश ने उठाए, जम्मू कश्मीर का विषय हो, लद्दाख का विषय हो, इन विषयों को देखते हुए, क्योंकि देश की जो बाह्य सुरक्षा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, उन सारी दृष्टियों से, तो उसमें कुछ विषय वहां के स्थानिक है, और उन सारे विषयों को जल्द ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर बारीकी से नजर रखे हुए, वो भी सारे बातों का समाधान हो जाएगा।
मैं बात ये कह रहा था कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने अब एक नया सिजुफा उनके चाणक्य उनके गुरु के माध्यम से शुरू किया हुआ है, और उन्होंने खुद कहा कि देश का संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, और आज ये देश का संविधान का खतरे में रहने का जो घोल पीट रहे हैं, इनसे मैं बताना चाहूंगा इनको कि देश का संविधान सबसे पहले खतरे में कौन लाया था, आजादी के बाद जो संविधान बना तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही यहाँ पर जो लिबर्टी था स्पीच का, लिबर्टी था स्पीक का, उसको खत्म किया था। बाद में इंदिरा गांधी जी ने जो संविधान के अंदर मूल कॉपी थी, मूल कॉपी में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, भगवान शिव का नटराज रूपी फोटो था, बाद भगवान बुद्ध का फोटो था, और अनेक हमारे जो विरासत के हमारे ऐतिहासिक गर्व अनुभव करने वाले हमारे प्राचीन पुरातन संस्कार और संस्कृति के जो फोटो थे, वो सारे फोटो निकालने का काम संविधान के किताब से, संविधान के पुस्तक से इंदिरा गांधी जी ने किया। तो संविधान को इन्होंने खतरे में लाया, और उसके बाद 1975 में देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर देश के पत्रकारों को, देश के नेताओं को, देश के समाज सेवकों को, देश की जनता को, जो देशभक्त लोग थे उनको जेल में ठूसने का काम, सालों सालों जेल में रखने का काम, उन पर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न करने का काम देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस ने किया था, तब ये संविधान खतरे में आया था। देश में जब 1984 में सिख को मारा काटा गया, दंगा करवाया गया कांग्रेस के द्वारा, तब देश का संविधान खतरे में आया था। देश के अंदर अनेक हिंदू मुस्लिम दंगे कांग्रेस शासित शरद पवार जी ने कहा कि छोटे छोटे पार्टी मर्ज हो जाएंगे कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के तो छोटे पार्टीज, रीजनल पार्टीज मर्ज हो जाएगा, कांग्रेस तो बहुत बड़ा है, छोटे छोटे पार्टीज, शरद पवार जी के पार्टी है, YSR है, KCR है, ममता बनर्जी है, उद्धव ठाकरे जी है। तो आरोप एकनाथ शिंदे जी ने लगा कि उद्धव ठाकरे जी ऑलरेडी कांग्रेस में मर्ज हो चुका है, तो ये क्या देख रहे हैं? शरद पवार जी का स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो, क्या है स्टेटमेंट में कि छोटे छोटे पार्टी सब मर्ज हो जाएंगे? बोलिए। एकनाथ शिंदे जी ने एकदम सही कहा, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कहा, क्योंकि शरद पवार जी ने जब ये कहा कि हम प्रादेशिक दल कांग्रेस में मर्ज होंगे, तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी का भी और शिवसेना का भी यही कहना है, इस बात से वो पूरी तरह से सहमत है, और इस बात से वो पूरी तरह से सहमत है, इसका मतलब शिवसेना का भी विलय कांग्रेस में करेंगे उद्धव ठाकरे, और क्या करेंगे ये बताएगा देश की जनता को, और अगर वो करते हैं तो ये सबसे बहुत बुरा दिन होगा देश के लिए, और खासतौर से हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज बहुत ही दुखी होगी ये सब सुन के, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिक्षा का निर्माण हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए किया था, लेकिन आज उस पार्टी को, जिस पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा था कि मैं शिवसेना को जिंदगी में कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे उनके सुपुत्र ने लेकर कांग्रेस की गोद में बिठा दिया, और गोद में बिठाए तो वहां तक तो ठीक नहीं था, लेकिन गोद में बिठाने के साथ साथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस में मर्ज कर देंगे, तो ये तो डूब मरने के लिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है उद्धव ठाकरे जी के लिए, और इन्होंने अपने पिताजी की विचारधारा को पूरी तरह से छोड़ दिया है, हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया, और एक तरह से ये हिंदू समाज और हिंदुत्व के साथ धोखा करने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है, और देश की जनता हिंदू समाज। सर एक चीज है, अभी अभी आपने कुछ कहा, शैलेश पांडे साहब आपने कहा कि इंदिरा जी ने जो भारत का के संविधान की जो पुरानी कॉपी है, सबसे पुरानी जो कॉपी है, सबसे पहली जो थी, उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली गई। सर वो ओरिजिनल कॉपी आज भी सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है सर, बिल्कुल नहीं हटाई गई है, बिल्कुल नहीं हटाई गई है सर, सॉरी ये बिल्कुल नहीं हटाई गई है, इसमें सबकी तस्वीरें हैं, इसमें तकरीबन तकरीबन 200 से ज्यादा इलस्ट्रेशन हैं, नंदलाल बोस जी ने इसके लिए सारी अलग अलग इलस्ट्रेशन बनाई थी, इट इज प्रिजर्व्ड इन द सेंट्रल लाइब्रेरी, इसमें हर एक को यह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हैं, गौतम बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, महाभारत के भी सीन है, रामायण के भी सीन है, जो ओपनिंग जो पहला पृष्ठ है उस पर रामायण का दृश्य है, ये सब है वहां पे, बादशाह अकबर भी है, टीपू सुल्तान भी है, सब है उसमें, एंड देर आर टू कॉपीज, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में है, इट इज राइट हियर सर, इट इज प्रिजर्व्ड इवन नाउ, इट कैन बी सीन इन द सेंट्रल लाइब्रेरी। राजीव जी बोलिए, कहिए हुकुम।
जो कॉपी मूल संविधान के बाद इन्होंने छापी, अभी जो जनता के बीच में जो कॉपियां हैं उसमें किसी वो तो 1954 में छापी गई थी, उनमें इलस्ट्रेशंस नहीं थी, उसमें इलस्ट्रेशन नहीं थी। संविधान का संविधान की जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 80 लोग से ज्यादा हमारे देश के बुद्धिजीवी नेतागण इसके अंदर सम्मिलित थे, उसके अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे। ओरिजिनल कॉपीज में, ओरिजिनल कॉपीज में कुछ बदला नहीं गया सर, ओरिजिनल कॉपीज में कुछ बदला नहीं गया है शैलेश पांडे जी। नहीं सर, आपने जो कॉपी जनता के बीच में लाई उसमें क्यों बदलाव किया? आज सर आप छाप दीजिए, आपके पास है, आप अभी छाप दीजिए। पिछले 10 साल में आपने क्या किया? 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, 99 से लेकर के 2004 तक, why didn't he publish that sir? बताए ना सर। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो 1954 से बिक रहा है मार्केट में, करेक्ट है, उसमें इलस्ट्रेशन नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं। तो आप छाप देते तो आपने क्यों नहीं छापा? तो सर 2014 में शैलेश पांडे जी जवाब दीजिए, भटकाइए नहीं। 2014 से लेकर के 2024 तक आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं छापा? आपने क्यों नहीं छापा? आपने क्यों नहीं छापा? जवाब दीजिए। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में हिंदू सर, आपने क्यों नहीं छापा? आपने क्यों नहीं छापा? 10 साल से आपकी सरकार है, 10 वर्ष से आपकी सरकार है, आपने इसको क्यों नहीं सर्कुलेट किया? और बाय द वे कॉपी अवेलेबल है, 1500 रुपए की मिलती है बाय द वे। सर 2014 से आज तक आपकी सरकार है, आप छाप दीजिए। सर आप क्यों नहीं छाप रहे? सर आप क्यों नहीं छाप रहे? सर जवाब दीजिए ना, मोदी जी की सरकार है, आपने क्यों नहीं छापा? बिल्कुल छपेगा इस बार, बिल्कुल छपेगा, बिल्कुल छपेगा। कब? और इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ना कि 400 पार चाहिए, क्योंकि अभी तक ये ट्रेलर था। सर कॉन्स्टिट्यूशन की कृति छापने के लिए टेक्निकल चीजें, बहुत सारी टेक्निकल बातें जो हम अब तक नहीं कर पाए, वो हम देश के विकास के लिए, देश के संविधान के लिए, हमारे जो प्राचीन विरासत, हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी प्राचीन परंपरा का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है समय समय पर, उन सारी चीजों को हम भरपाई करेंगे। सर ये पार्लियामेंट की साइट है, सर ये पार्लियामेंट की वेबसाइट है। अरे सर 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 ये भारतीय संसद की वेबसाइट है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल अवेलेबल है ओरिजिनल कॉपी की, जिसमें सारी कृतियां हैं, बड़ी खूबसूरत है, इट कैन बी डाउनलोडेड। मैं क्यों डाउनलोड करने जाओ? मेरे पास जो कॉपी है उसके फोटो नहीं है, मुझे फोटो इसका चाहिए, मुझे इसका फोटो चाहिए। तो आप छापिए सर, किसने मना किया है? 10 साल में आपने क्यों नहीं छापा? छापेंगे ना, अब छापेंगे ना, जिस प्रकार से कहा, और सैम पिट्रोडा ने इस्तीफा भी दे दिया है कांग्रेस के पद से, मगर वो छाप नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का एक शैली है कि रेसिस्ट, इस डिवाइड, इस देश को बांटना, साउथ के लोग कैसे दिखते हैं काले, ईस्ट के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, वेस्ट वाले अरब जैसे दिखते हैं, नॉर्थ वाले। तो क्या कांग्रेस, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश का डिसइंटीग्रेशन चाहता है, रेसिस कमेंट से देश में बंटवारा चाहता है, देश के लोगों में अंदर अंदर डिवाइड एंड रूल जिस प्रकार से, तो इस स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सैम पिट्रोडा के बारे में आप कैसे देखते हो पांडे जी? सर जी मुझे एक अच्छी कविता याद आ रही है कि मिस रोम यूनान सारे मिट गए जहां से, ऐसी कुछ हस्ती है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी और ना मिटेगी, हिंदुस्तान का सनातन धर्म आदि काल है, अनंत काल से चलते आ रहा है और अनंत काल तक चलते रहेगा, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अनाप शनाप बोलकर हमारे पे टिप्पणी करके, हमारा अपमान करके हमारे धर्म को वो कुछ कर दे पाएगा। लेकिन सैम पिट्रोडा
ये जो हो रहा है उससे कांग्रेस और राहुल गांधी की मानसिकता का दर्शन पूरे देश निरंतर दुनिया ने किया कि कितनी गंदी और घटिया मानसिकता है इनका। ये अपने ही सभ्यता का अपमान किया इन्होंने, चीनी अरबी अफ्रीकी कहते, अरे हिंदुस्तान की मिट्टी हड़प्पा मोहन जोदड़ो की संस्कृति सभ्यता आज के ऐतिहास के। यहाँ तो कांग्रेस आपकी मदद कर रही है, कांग्रेस तो आपकी मदद कर रही लग रहा मुझको। भगवान राम के समय से लेकर, भगवान कृष्ण के समय से लेकर, हड़प्पा वैदिक काल से लेकर आज तक हमारी हस्ती को कोई मिटाने का माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ, पैदा होगा भी नहीं। और ऐसे बेवकूफ ऐसे फालतू लोगों के कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन इनकी जो नीयत है, नीयत साफ पूरे देश ने देख लिया। और मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भाई और बहनों, देश की जनता जनार्दन देख लो, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा आज अपने सभ्यता पर, संस्कृति पर, हमारे डीएनए तो अधिरंजन चौधरी वो भूल गया, अरबी कह रहे हैं हमको, अफ्रीकी कह रहे हैं हमको, चीनी कह रहे हैं, ऐसे लोगों को देश से उठाकर ये चीन में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में इनको उठाकर फेंक देना चाहिए, अरब सागर में फेंक देना चाहिए। ऐसा मैं देश की जनता से अपील करता हूँ। शैलेश पांडे जी, सैम पित्रोदा तो चलो न्यूयॉर्क में, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो यही है, वो तो कांग्रेस के नेता थे लोकसभा में, आज उन्होंने वही चीज दोहराई है। अधीर रंजन चौधरी के लिए वो सैम पित्रोदा के पास चले जाना चाहिए। वो तो आपकी मदद कर रहे हैं राजू जी, राजू जी। अरे मुझे ऐसा लग रहा है ये सब लोग, आप ही के लोग हैं। राहुल गांधी को इतनी अकल नहीं है, वो कहते हैं देश सन्यासियों का है, पुजारियों का नहीं। बताइए देश के लिए करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी है, वो पुजारी जो भगवान का देश पूजा पाठ करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, हाँ इतना धर्म का काम करते हैं, इतना नेक काम करते हैं, वो तो ये देश पुजारियों का नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश की हिंदू समाज की अपील करता हूँ, साधु सन्यासी और सभी पुजारियों से अपील करता हूँ कि सारे पुजारी रस्ते पर उतरे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को उसका नेतृत्व मूड हो, उसको उसका सर, आपको कभी ना कभी कोई मिल ही जाता है। सर मोदी जी की किस्मत बहुत अच्छी है, मैं मांग करके चलता हूँ, सभी देवताओं का आशीर्वाद उनके सर पे। पहले आपको मणिशंकर अय्यर मिल गए, दिग्विजय सिंह मिल गए, अब सैम पित्रोदा मिल गए, अब अधीर रंजन चौधरी मिल गए। कांग्रेस का यही काम है कि अपने पैर पे सबसे पहले कुल्हाड़ी मारना, मुझको ऐसा लगता है कि या तो आप ही ने सिखा दिया होगा कि ये बोलना है अभी, क्या ऐसी बात है सर? अधीर रंजन चौधरी को आप ही ने ब्रीफ किया होगा जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं सर, कैसा है देखिए, जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन्ह तैसी। इनकी जो विचारधारा है ना, इनकी विचारधारा ही देशद्रोह की है, इनकी विचारधारा ही देश के प्राचीन इतिहास के खिलाफ की है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश का इतिहास कांग्रेस के काल से जो लिखा गया उसमें इन्होंने मुगलों का हिंदा बंदर किया, इनको बाबर हुमायूं के पूरे खानदानों की जानकारी इतिहास के रूप में पढ़ा, इन्होंने महाराणा प्रताप के इतिहास को नहीं पढ़ा, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को नहीं पढ़ा, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के शहादत को नहीं पढ़ा, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत को नहीं पढ़ा, इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के शहादत को नहीं पढ़ाया, जिनको 40 दिनों तक लड़ा था, 64 दिया औरंगजेब ने, जिनकी आंखें निकाले, जिनके नाखून निकाले, जिनके चरण फेर दिए और 40 मिनट उनकी निर्ममता से हत्या कर दी, आज उनका इतिहास नहीं पढ़ा इन्होंने, वो 40 साल के तीसरा का इतिहास नहीं पढ़ाया देश की जनता को, जिसने 144 उम्र में 43 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और 43 की 43 लड़ाइयां जीती। आज वो देश का सिकंदर महान सभी महान, अगर कोई है तो छत्रपति शिवाजी महान है, इस देश के अंदर अकबर सभी महान कोई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, बाजीराव पेशवा है, लेकिन इन्होंने पढ़ाया क्या? अकबर महान, टीपू सुल्तान महान। आज इस देश के अंदर देश की जनता जाग गई है, अब इस देश की जनता अकबर महान नहीं कहेगी, टीपू सुल्तान महान नहीं कहेगी, अब इस देश की जनता फिर कहती महाराणा प्रताप महान है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी महान है, छत्रपति संभाजी महाराज जी महान है, छत्रपति शत्रुघ्न छत्रसाल जी महाराज है, पृथ्वीराज चौहान जी महान है, और देश के जितना भी चाहे चंद्रगुप्त मौर्य जी है वे महान है, गुप्त वंश के महान है, सारे हमारे प्राचीन तक लक्ष्मी बाई झांसी की रानी महान है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद महान है,
और देश में हम सही मायने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो 400 पार, बाबा साहब अम्बेडकर को जो पूरा कांग्रेस पार्टी ने पूरे जीवन भर तो इस बार 400 पार सर कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर महान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान है, इन्होंने पूरे देश का इतिहास गलत चलाया, देश की जनता को महान महापुरुषों का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, इनको जमीन जमीन में गाड़ देगी देश की जनता, जिस देश के शहीदों का महापुरुषों का स्वतंत्र सावरकर का अपमान राहुल गांधी सदैव करते रहे, जिस स्वतंत्र सावरकर ने तो शैलेश पांडे जी आपके 400 पार और कांग्रेस के कितने, आपके 400 पार और कांग्रेस के कितने, 20 सीट भी नहीं आएगी राजेंद्र, 20 सीट नहीं आएगी, शाबाश 20 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
नहीं आएगी साहब। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच शैलेश पांडे जी, नमस्कार, जय सियाराम, जय सियाराम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, वंदे मातरम, थैंक यू, जय सियाराम, जय सियाराम, हर हर महादेव। What? 20. That is a new one. 20? Pradeep ji? Congress? Okay. He's got an in-depth study of the entire Congress seats across the country. Yes. Shailesh Pandey ji. Absolutely. Must have done a complete and total incisive survey of all the seats everywhere. How could he... कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी माइट फेल इन इवन इन स्पाइट ऑफ द फैंटास्टिक मैनिफेस्टो दैट ही बिलीव्स, राहुल गांधी बिलीव्स दैट ही हैज गिवन दिस कंट्री, दैट्स राइट, एंड दैट इंक्लूड्स केरला, दैट इंक्लूड्स कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यस यस, एंड इवन महाराष्ट्र, बिल्कुल सर। आफ्टर ऑल मिस्टर कृष्णा हेगडे जस्ट सेड ओवर हियर दैट मिस्टर शरद पवार इज नॉट गोइंग टू विन अ सिंगल सीट इन महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू मर्ज।